सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है द बी स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज और ट्रांसफर अपडेट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारे चैनल में रहे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा डेली के डेली फुटबॉल अपडेट। तो शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला न्यूज है वो है तालाल अलकुएसी को लेकर। तालाल अलकुएसी एक कुवैत का प्लेयर है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और ये नॉर्मली एक अटैकिंग प्लेयर है, मतलब फॉरवर्ड नहीं, अटैकिंग प्लेयर। अटैकिंग मिडफील्डर में भी खेल सकता है, राइट विंग भी खेल सकता है, और स्ट्राइकर के पोजीशन में भी खेल सकता है। तो इस प्लेयर को खरीदना चाहते हैं डीके मोहन बगान, और ट्राई कर रहे हैं डीके मोहन बगान या तो इसको खरीद ले या फिर थितिपंग पॉन्चेन को खरीद ले थाईलैंड के, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फॉरेन कोटा के प्लेयर को वो रखना चाहते हैं, और इससे पता चल जाएगा कि हाँ एटीके 8 फॉरेन प्लेयर्स को साइन करवाना चाहते हैं अपने स्क्वाड में। तो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है केरला ब्लास्टर्स की तरफ से। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने 2 मिडफील्डर को साइन करवाने का कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है अर्नेस्टस स्टकुनस और पाओ मोते। सो एक्चुअली ये दोनों ही प्लेयर, एक है लिथुनिया का, अर्नेस्टस स्टकुनस लिथुनिया का प्लेयर है और 24 ईयर्स ऑफ एज है, सेंट्रल मिडफील्डर है और डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेल सकता है। बट जो पाओ मोटेर है वो एक्चुअली अटैकिंग मिडफील्डर है, 22 ईयर्स ऑफ एज, स्पेनिश प्लेयर। सो दोनों ही बहुत अच्छा प्लेयर है, दोनों ही बहुत यंग प्लेयर्स है। सो ये देखना है कि केवीएफसी केवीएफसी किस प्लेयर को साइन करवाते, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ एक प्लेयर को साइन करवा सकते हैं, दूसरे को उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए तो इन दोनों को ऑफर किया है केवीएफसी में, बट केवीएफसी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी तक तो कोई उतना बड़ा न्यूज आया नहीं कि इन दोनों ने कुछ रिएक्ट किया है, बट ऑफर आया ये कंफर्म है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है जुवेंटस को लेकर। सो जुवेंटस रॉयल जिमनेस को खरीदना चाहता है। सो रॉयल जिमनेस जो कि वुल्व्स का प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, पोटेंशियली बहुत अच्छा खेलता है, रिसेंट टाइम्स में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही टॉप लेवल में। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रॉयल जिमनेस को खरीदना चाहता है, बट अभी जुवेंटस भी खरीदना चाहता है रॉयल जिमनेस को। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्राइनर को खरीदना चाहता है। जी हाँ, स्क्राइनर जो कि फिर से बोलूंगा कि एवरेज खेल रहा है रिसेंट टाइम्स में, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए स्क्राइनर। सो देखते क्या होता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है लिवरपूल को लेकर। सो लिवरपूल डिएगो लोरेंटो को खरीदना चाहता है, और ये एक रियल स्कोरियर का प्लेयर है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, और स्पेनिश नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हुआ है ये। सो आप सोच सकते हो कि स्पेनिश नेशनल टीम में सिलेक्ट होना कितना बड़ा बात होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। हाँ पता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता नहीं है, बट फिर भी प्लेयर्स अच्छे होते हैं वहाँ पे। सो वही, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और यार कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि केवीएफसी इन दोनों में से किस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगी। सो यार कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।